अपनी बीबी शहीद वाले केस के अंदर अपनी माँ का इंसाफ देने के लिए, तो उसी टाइम ही आपने फैसला किया था कि मैं इस मामले पे जो है वो फ्रीक बनूंगा, तो आपने एप्लीकेशन भी डाली, लेकिन अफसोस है कि वो मतलब लगी नहीं। लेकिन अब काजी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको समाज के लिए भी मुकर्रर किया, और हमें उनसे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने पूरी समाज देखी, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो उनसे ज़रूर इंसाफ करेंगे, क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो सदियों का बेटा है, और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया वो आज तक शायद किसी ने नहीं किया और ना कोई कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन जो है वो बाब है, तो उसका जो एक कलंक है वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर जो चमकाती बिल्डिंग है संगे मरमर से हमें नज़र आती है, लेकिन इसके ऊपर खून के धब्बे हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और हमें अब ये उम्मीद है क्योंकि मैं इसके हवाले से ख़ुद जस्टिस काजी फैजीसा का वो कोर्ट जो है वो करूँगा, क्योंकि उन्होंने ख़ुद एक जगह पे पब्लिकली ये कहा था कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर इस चीज़ का वो किया था कि जी हमारे ऊपर दबाव था, तो उन्होंने कहा अगर उनके ऊपर दबाव था तो उनका जो आई उनका जो हलफ है वो उनसे तकाजा करता था कि वो रिज़ाइन कर जाते कम से कम एक मासूम जान को, और एक ऐसा शख्स जो मतलब पूरी तीसरी दुनिया का भी रहनुमा था उसको तो नाहक कत्ल ना करते। तो ये अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जजेस की कलपट्टियों पे बंदूकें थीं या जो भी था, लेकिन उन्होंने अपने हलफ के साथ वफादारी नहीं की, पासदारी उसकी नहीं की, अपने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के भी खिलाफ वर्जी की, मैज किसी के दबाव में आके या उस टाइम की जो रजीम थी उसके दबाव में आके उन्होंने जो है वो इतना बड़ा लॉस किया। ये सिर्फ लॉस पाकिस्तान का नहीं हुआ बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का हुआ, और इससे बढ़ के थर्ड वर्ल्ड का हुआ। आपने तो जिस तरीके से हमने देखा आपने वज़ारत खारजा संभाली, तो G77 के वो ममालिक जिनके लिए आपने मुकदमा भी लड़ा मौसमियाती इंसाफ का,
तो ये सारे जो है वो भुट्टो शहीद को अपना लीडर समझते थे और आपका इंटरेक्शन हुआ तो होगा उनसे तो आप बेहतर समझते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन अब हमें ये भी खुशी है कि जिन्होंने भुट्टो शहीद के खिलाफ पूरा एक बनाया झंडा बनाया वो भी अब इस दुनिया से चले गए हैं। हेनरी कैसेंजर को अगर मैं कोट करूं तो हेनरी कैसेंजर ने खुद कहा था कि जी हम आने वाली नस्लों को जो है वो निशान इबरत बनाएंगे, लेकिन अफसोस है कि उसने ये करके भी दिखाया। सिर्फ शहीद जुल्फकार अली भुट्टू नहीं, आपकी वालदा अभी भी शहीद और फिर केस को हियरिंग के लिए रखा है। मैं बाहर जाके प्रेस से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सवाल आपने किया तो यही मकसद है, मकसद था रेफरेंस, सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस फाइल की, मकसद मेरा पार्टी होने का यही था कि हम ना सिर्फ चाहते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए मगर हमेशा के लिए ये इस किस्म का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से या हमारे अदालतें से ना हो और ये हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए। इस पर मैं मज़ीद अब मगर मैं आप सबका खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ, इसलिए जर्नलिस्ट कम्यूनिटी ने मुसलसल इस बात को उठाया है, चीफ जस्टिस साहब के सामने उठाया है और अब मैं समझता हूँ कि ये केस जारी है, हमारा आगे जाके एक हियरिंग होगा और मैं आप सबका मदद चाहता हूँ इसमें, मैं लीगल फ्रटर्निटी का और हमारा मीडिया का फ्रटर्निटी का, कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दें और कोई कसर ना छोड़ें। हमने अपना लीगल केस, अपना बयानिया, अपना मौकिफ जजेस के सामने, मुल्क के सामने रखना है। आपने आज देखा होगा कि आज भी कोते हैं जो चाहते हैं कि अवाम को गुमराह दे, आज भी कोत हैं जो चाहते हैं कि ये जो तारीखी नाइंसाफ़ी है उसको दुरुस्त ना किया जाए या वो मज़ीद मुलतवी किया जाए। तो हमने अपने तरफ से सब मिलके इंशाल्लाह ताला ये केस लड़ना है और मैं पूरा जो जुडिशरी है उस पर इतना इत्मीनान है कि वो इंशाल्लाह ताला आखिरकार हमें इंसाफ देंगे। इजाजत के साथ में अब आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं जहां 12 साल बाद जो सदर जरदारी ने अपना रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को और आज 12 साल बाद इसका हियरिंग हुआ। हम जस्टिस फायज़ ईसा साहब का और तमाम जो हमारा जज साहिबान हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये फैसला लिया गया और आखिरकार इस रेफरेंस को सुना जा रहा है। मैंने 2018 में
एक एप्लीकेशन डाला था कि इस केस को फौरी सुना जाए और फैसला दिया जाए, और साथ साथ हमें एज अ लीगल एयर हमें नुमाइंदा इस केस में बनाया जाए। और हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमें वो इस केस में सुनने का मौका दिया जा रहा है और हमारा वकला भी हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये चाहे ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। ज़रूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। ज़रूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे हमारा कानून जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको ख़त्म किया जाए। मगर हम ये क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते, हम नहीं समझते कि आप ये फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते, हमें मीर मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन इस जदोजहद में शहीद हुए वो जज साहिबान हमें वापस नहीं दे सकते। मगर जो जज साहिबान करते हैं उतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं, उतना हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर चीफ जस्टिस साहब और उनके ब्रदर जजेस जो है वो जो कर सकते हैं उतना तो कर लें कि कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर आज आपके सामने नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज आपके सामने नहीं है, तो मुझे इंसाफ दे, मुझे बताया जाए, इस कौम को बताया जाए के कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर था, जिसको हमने मर्डरर करार दे दिया, वो तो ही इज दी विक्टिम, और जो अक्यूज्ड है, जो एक्यूजेशन डालने वाले हैं वो या ज़ियाल हक था या वो पूरा निज़ाम था जो उस वक्त एक सहूलतकार के रोड पे, एक कोक्यूज के रोड पे हमारे नज़र में उन्होंने अपने आप का जो उस वक्त में तारीख में उनका जो रवैया था, चाहे वो आमरे वक्त था, चाहे वो उन जजेस थे, चाहे वो उन लॉयर्स थे, चाहे वो उन सियासतदान थे, हम उनके बारे में आपको पाकिस्तान के अवाम के सामने उनको बेनकाब करना पड़े। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि कायदे अवाम बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हमारा कातिल कौन है। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने कहा था कि वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, मगर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया और अपने असूलों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इस मुल्क के अवाम को मालूम है कि कायदे अवाम वो मुस्लिम उम्मा का लीडर था जिन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर लिया मगर मुस्लिम उम्मा को समझा दिया कि आपके पास क्या ताकत है। उन ज़माने में भी हमारा फलस्तीनी बहन भाइयों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा था वो उन ज़माने की इस्लामिक क़यादत थे जिन्होंने ये फैसला किया कि और उनको ये कायदे अवाम था जिसने समझाया कि आपके पास जो तेल है वो ना सिर्फ आपकी मुआशी तौर पे फ़ायदा दे सकता है मगर ये तेल आपका ताकत है। और उन्होंने मिलके ये फैसला किया, इन्होंने मिलके ये फैसला किया कि जब तक हमारे फलस्तीन के जो बहन भाई हैं उनको इंसाफ ना दिया जाए तो उन्होंने एम्बार्गो रखा और उनका कॉन्सिक्वेंसेस उन सब नहीं भुगता। जो हर एक
हर एक जो मुस्लिम उमला का कायद था जो इस फैसले में शरीक थे दे डिड नॉट डाई अ नेचुरल डेथ और हमारा सिर्फ हमारा अदालत से ये अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने अपने हाथों से ये खून धोना है, आपने जो इस जुर्म में मुलव्वस थे उनको बेनकाब करना है। पाकिस्तान के अवाम को ये समझ से बाहर है कि कैसे जिस साहब पे कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो इल्ज़ाम था कि आपने फलाह बंदे को कत्ल करने की कोशिश की, वो बंदा जिंदा है। आज भी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, कोर्ट में मौजूद था, मगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसको कत्ल करने में शहीद कर दिया गया। आप सब उसको शहीद कहते हैं, क्या किसी कातिल को शहीद कहा जाता है? आप मुझे बताएं, इज इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है? हमारा कानून इसका इजाजत देता है? इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस क्या इसका इजाजत देता है? द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या वो उसको इजाजत देता है कि अगर आप अक्यूज्ड हो एक कंस्पिरेसी का और वो बंदा जिंदा है तो सजाए मौत बनता है? ये तो बहुत बड़ा सवाली निशान है कि आपने तो फांसी का सजा सुना दिया मगर इस्लाम में कानून में आईन में इस सजा की गुंजाइश नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अदलिया ने ये फैसला कर लिया कि ना सिर्फ तारीख को दुरुस्त करना है, ना सिर्फ को कानून को दुरुस्त करना है, मगर पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है इस इदारा में उसके भी हमें बहाल करना पड़ेगा। और साथ साथ ऐसे फैसला होना चाहिए, ऐसे फैसला होना चाहिए कि हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद किया जाए और हम आगे जाके हमारा कोई अदलिया इस किस्म का काम नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस केस का जो वो केस है वो कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस केस का रेफरेंस नहीं दिया जाता। दिस केस इज नेवर कोटेड एज अ प्रेसिडेंट। नाउ व्हाइल द केस मे बी विद द केस इटसेल्फ मे नॉट बी कोटेड एज अ प्रेसिडेंट, जिस तरीके से इस केस का फैसला करवाया गया वो प्रेसिडेंट तो चलता आ रहा है। और हम जस्टिस फैज़ इज़्ज़त से ये उम्मीद रखते हैं, इन तमाम जुडिशरी से, एवरी सिंगल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, ये अपील करते हैं कि आपने वो दरवाज़ा भी बंद करना है। क्योंकि ये भी ना सोचे कि वो हमारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी ना करे आगे जाके। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जिन्होंने ये जिद्दोजहद लड़ा है और इंशाअल्लाह ताला हम ये केस लड़ते रहे। बिलावल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसलों को दुरुस्त कर लेगी मगर क्या आप और आपके जितने भी सियासतदान हैं दूसरी जमातों के, वो माजी में जो सियासत करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता करते रहे, सौदाबाजी करते रहे, तो क्या अपनी तारीख को आप दुरुस्त करेंगे आप सियासतदान? सर, आई थिंक फर्स्ट स्टेप इस कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में तो आप इंसाफ दो उस आईन का जिनका इन्होंने हर जस्टिस ने ओथ लिया है कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका बानी को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसमें हमारा एक पूरा इतने साल गुजर चुके हैं, तो उम्मीद है जब हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर जो आपके सवाल हैं उनको भी हम रोक सकेंगे। या यूसुफ ज़ाक रानी केस हो या उसके बाद शहीद रानी हो, एक तारीख है पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की। और इस तरह के और भी फैसले आए हैं, जब पंजाब के वज़ीर आज़म को तो यहाँ से रिलीफ मिलता था लेकिन पीपल्स पार्टी के को यहाँ से कभी भी रिलीफ नहीं मिला। उसी तरह की तलवारें फिर चाहिए, चाहे वो पनामा पे हो और या चाहे अभी सूरत हाल हो। तो आपने जिस तरह कहा कि हम रास्ता बंद करना चाहते हैं,
तो आप समझते हैं कि जीरक सियासतदान है, यंगस्टर है, कि आगे आप खुद बातचीत शुरू करें सियासी लीडर से, तो आपके उस सवाल का जो शुरू था वो बहुत अच्छा था, मगर उम्मीद है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान के अवाम को कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। बाकी जमातों का भी हक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम नवाज हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो, उनको भी हर किसी को ये हक है कि आइन कानून के मुताबिक उनका केसेस का फैसला किया जाए। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस कब से पेंडिंग है, किसी और को इंसाफ मिल ही नहीं सकता है जब तक कायदे अवाम को इंसाफ। पाकिस्तान के अवाम इस इदारा को इंसाफ देने वाला इदारा मानेगा नहीं जब तक कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। फिर शायद उनको ये उम्मीद हो कि आम पाकिस्तानी को भी इस इदारा से इंसाफ मिल सके। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म करार भी दे तो उस वक्त के कत्ल में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया दोनों के किरदार शामिल थे, तो क्या पीपल्स पार्टी मुतालिबा करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई का? देखो, जनरल जियाउल हक की आमरियत, जो जज साहिबान इसमें लब्ज थे, हम तो समझते हैं बिल्कुल, इनफैक्ट द लॉयर्स द पॉलिटिशियंस द लॉयर्स द पॉलिटिशियंस द डिक्टेटर द जुडिशरी द अदर पीपल who lied and are still to this day lying in order for this to take place, wo sab is qaum ke nazre mein unhone gunah kiya hai, wo main samajhta hu ki awam ke samne aana chahiye, aur ye jo supreme court hai, hum ummeed rakhte hain ki wo na sirf apne upar jo daag hai magar jo tamam surat hal hai to uske paas ek mauka hai jitna usme wo request hai wo दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दी आज भी डी खान के अंदर पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले शहीद हुए, आवाम शहीद हुए हजारों की तादाद, क्या जो दहशतगर्दी के मुकदमात है जो दहशतगर्द है उन पर भी आप कोई मुतालबा रखेंगे कि उनके हवाले से फैसले दें और कोई फैसला दहशतगर्दी खत्म हो? मेरा ख्याल में बिल्कुल हम चाहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले आए, केसेस किया जाए, लेकिन हमारा जुडिशरी ने काफ़ी बहादुरी दिखाया है जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े के आप इसी जस्टिस फ़ायज़ ईसा का एग्जांपल देखिए जो क्वेटा के वकला के साथ हुआ था। जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने तगड़ा फैसला भी सुनाया था और उम्मीद है उसमें अमल दरामद भी होगी। हमारा हाई कोर्ट जजेस ने जुडिशरी में से जो लोग हैं उन्होंने शहादत भी कबूल किया है, दहशतगर्दों के हमलों में शहीद हुए हैं, तो इसमें हम सब दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं और हम सब को मिलकर उसका मुकाबला करना। जहाँ तक ये साहब है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये किसका खिलौना है और उन्होंने ही इसको लॉन्च किया होगा। वैसे मेरे लियारी के जयाले जो है ना, वो बहुत मज़ेदार नारे बनाते हैं, तो इन्होंने कल मुझे एक मैसेज भेजा जब ये सब कुछ चल रहा था कि मियाँ तेरे जाने सा बशीर मेहमन रावण, ये आपका सवाल। अच्छा ब्रावो साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, ब्रावो साहब आपने सुप्रीम कोर्ट पर सर, क्या पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इलेक्शन में? नहीं मिलेगी सर, मेरा सवाल साथ ले रहे हैं, मेरा हो जाए 10-20 दिन मेरा साथ सवाल ले रहे हैं साथ के बराबर। आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है और इस पर इतमाद का भी इजहार किया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात के हवाले से बात की, आसिफ जरदारी साहब ने रात को इंटरव्यू में ये बात कही कि इंतखाबात आगे भी जा सकते हैं। अच्छा साथ यार, सर सवाल यह है कि राव अनवार ने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया, जहाँ तक फरवरी 8 का इलेक्शन दिन है उस पे जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है कुछ सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शन हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरे ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शन टाइम पे होंगे,
जब उसको मजीद प्रेस किया गया उसने आपका जो जवाब है वो दिया और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू कम। जावेद साहब, जावेद साहब, बता रहे हैं क्या आप बशीर मेमन साहब बोल रहे हैं जारी रहेगा उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको चलाती रहेगी। आया ये वक्त आ गया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज किया जाए और ये सारी चीजें खोल कर दिया जाए। ये वक्त बहुत पुरानी मौकफ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें, तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पाकिस्तान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहाँ सियासत को और सियासी अख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुँचा। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप PTI से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं, आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे मगर साथ मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल में ये जो पुराने तरीक़ेकार हैं इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकें, इस नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत और एक नया सियासत का करें फिर आप पाकिस्तान। सर आपका इशारा राजा रमानी साहब की तरफ है। रावल साहब आपका इशारा राजा रमानी साहब की तरफ था। सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है, पिछली दफा भी वकील गिरा है, तरह याद से वकील गिरा है। थैंक यू सर कार्ड 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 मैं बाहर एक मिनट बाहर।